फिजिक्स में सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने की बारी है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, तब कहा जाता है कि किसी कंडक्टर से करंट पास कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, गति करेगा, तो कितने वेग से गति करेगा, कितने वेलोसिटी से गति करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जानना है और उसी के वेलोसिटी में एक वेलोसिटी आपको पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी संवहन वेग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेकर के है, संवहन वेग। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी संवहन वेग की परिभाषा क्या होगी, और उसके बाद फिर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। आपने ये देखा है कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, सभी कंडक्टर्स में करंट कैरियर होता है जो करंट को ले जाने का काम करता है। अगर हम लोग किसी कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, किसी चालक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं रैंडम मोशन करते रहते, अनवरत गति करता रहता। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहां देखिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता रहता, जिधर मन उधर गति करता रहेगा, आवारा घूमता रहता है, कोई एम नहीं है, विदाउट एम ये सब घूमता रहता। सामान्य स्थिति की बात, जब कोई विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर से नहीं जोड़ा गया, उस स्थिति में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है, यादृच्छिक गति करता है, बिना किसी डायरेक्शन का ध्यान रखे हुए जिधर मन उधर गति करता रहता है। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर के दोनों एंड से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने के साथ ही ये सभी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र जोड़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र जोड़ने के साथ ही कंडक्टर में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहां पर हमने जो टर्मिनल तय किया है ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो माइनस चार्ज वाला यह इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, लेकिन आपने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो विद्युत क्षेत्र है, वह करंट के डायरेक्शन में होता है, धारा की दिशा में होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इधर ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन नो ऐसे नहीं दिखाइए, आप इसको इस तरह से दिखाएंगे। यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट चलेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया तो सभी इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे थे, कोई डायरेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक टर्मिनल इधर सेल के पॉजिटिव छोर से जोड़ दें और इधर वाले को सेल के निगेटिव छोर से जोड़ दें, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा प्लस वाले के तरफ। तो ऐसा मत करिए, इधर ये माइनस वाला मत रखिए, इधर प्लस वाला रखिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन प्लस वाले के तरफ दौड़े। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर जो दिखा रहे हैं इसको निगेटिव कर दीजिए, ये निगेटिव टर्मिनल, सेल का निगेटिव टर्मिनल चालक के इस छोर में लगाए, पॉजिटिव टर्मिनल उस छोर में लगा दिए। तो जैसे ही इसको सेल से कनेक्ट करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन पहले इधर उधर गति कर रहा था, अब सब का सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा और सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू किया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रैंडम मोशन कर रहा था उसकी बात नहीं करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस गति से, जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा, उसी औसत वेग को इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। किसी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिससे वह विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसके विपरीत चलेगा, कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलेगा, जिस गति से चलेगा, उसी वेग को कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार फिर सुन लीजिए, कोई भी कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो जैसे ही आप किसी चालक से विद्युत क्षेत्र जोड़ेंगे तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस औसत वेग से गति करेगा उसी औसत वेग को कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करने की बात है तो इट इज डिनोटेड बाय VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करेगा, और जिस वेग से वह दौड़ेगा, जिस वेग से गति करेगा, उसी वेग को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए व्यंजक निकालना, फॉर्मूला निकालना कि उस वेग के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो जो आगे का काम हमारा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए व्यंजक निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये संवहन वेग के लिए व्यंजक, संवहन वेग को डिनोट किससे करते हैं तो VD से डिनोट किया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए V हो गया और ड्रिफ्ट के लिए D हो गया, इसलिए VD। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना, तो उससे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, लेट एक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। माना कि एक चालक विद्युत क्षेत्र में है, मान लेते हैं एक चालक है और वह चालक किस क्षेत्र में है, तो विद्युत क्षेत्र में है। अब जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर बल काम करेगा, तो अब पहले ये निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर बल कितना काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर बल कितना, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना है, तो बल को डिनोट किससे करते हैं, एफ से करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना बल काम करेगा, तो याद करिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था ई बराबर एफ बाई क्यू।
ई बराबर एफ बाई क्यू, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ मतलब फोर्स, क्यू मतलब चार्ज, इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ये विद्युत क्षेत्र है, ये बल है और ये आवेश है, इसी का उपयोग करके बल के लिए फॉर्मूला लिखना, फोर्स के लिए फॉर्मूला। एफ बराबर लिखेंगे तो क्यू इधर आ जाएगा, एफ बराबर लिखेंगे तो क्यू इधर आ जाएगा, तो क्यू यहाँ आ गया, ई के साथ में आ जाएगा, एफ बराबर क्यू ई। अच्छा, क्यू मतलब चार्ज, किस पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यहाँ पर ई मान लेते हैं, इस क्यू को यहाँ हटा देते हैं और इस क्यू के जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई मान लेते हैं। बल सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, तो यहाँ पर एक साइन आएगा माइनस का। यह माइनस साइन बतला रहा है कि विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस पर जो बल काम करेगा उसकी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव साइन सिर्फ उस अपोजिट डायरेक्शन को बतला रहा। तो आपको निकालना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम लोग पहले किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, फोर्स का। तो एफ बराबर माइनस ई ई, फोर्स मिल गया। अब जब फोर्स मिल गया है तब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितना त्वरण उत्पन्न हुआ। अब इलेक्ट्रॉन के त्वरण को निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन में जो त्वरण है उसको निकालते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एफ बराबर एम ए, तो यहाँ से अगर ए के लिए लिखना चाहें तो ए बराबर हो जाएगा एफ बाय एम। तो ए के लिए फॉर्मूला हो गया, त्वरण के लिए फॉर्मूला हो गया ए बराबर एफ बट्टा एम, और यहाँ पर एम क्या है, तो एम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ए हो गया इलेक्ट्रॉन का त्वरण एक्सेलरेशन, और एफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। अब यहाँ ए को ए रहने दीजिए, एफ एफ का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, एफ यहाँ निकाले हैं माइनस ई ई, तो एफ की जगह पर हो जाएगा माइनस ई कैपिटल ई और बट्टा में एम। एक्सेलरेशन ए बराबर माइनस ई कैपिटल ई बट्टा एम, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, एक्सेलरेशन मिल गया, लेकिन आपको निकालना है वेलोसिटी, वेग निकालना है। एक चीज और हम लोग मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट होगा, यदि इलेक्ट्रॉन टी समय अंतराल, टी के जगह पर टाउ मान लेंगे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो त्वरित होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो जितने समय तक इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है उस टाइम को हम लोग टी मान लेते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फॉर एन एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम चार, देन मान लिए कि इलेक्ट्रॉन जो त्वरित हुआ, इलेक्ट्रॉन जो अपना गति बढ़ाया है, तो कितने समय तक यह काम किया, तो इलेक्ट्रॉन जो त्वरित हुआ तो कितने समय तक इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ, कितने टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, तो वो टाइम क्या है, टाउ, टाउ टाइम तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है। अब टाइम मिल गया है, इसका हिंदी बस नॉर्मल है, अब ध्यान रखिएगा, अब लिखना चाहते हैं तो हम बोल दे रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन औसत समय अंतराल टी तक त्वरित होता है, तो अब निकालना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन निकालेंगे, गति का पहला इक्वेशन आपने पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, चूंकि भी बराबर यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। गति का पहला समीकरण है भी बराबर यू प्लस ए टी, और आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे, भी की जगह पर भी डी, यू की जगह पर यू। अच्छा, यू इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लें, जीरो ले लेते हैं। शुरू में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जीरो, प्लस ए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू निकाल रहे हैं माइनस ई ई बट्टा एम, तो ए की जगह पर माइनस ई, फिर से ई बट्टा कौन चीज, तो एम। ये किसका वैल्यू हो गया, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन माइनस ई ई बट्टा एम, क्योंकि ए का वैल्यू पहले से यहां आपने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद टी, तो हम लोग उस टी को क्या माने हैं, टाउ माने हैं, टाइम इंटरवल को टाउ माने हैं, समय अंतराल को टाउ माने हैं, तो टी की जगह पर टाउ हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, भी बराबर यू प्लस ए टी, तो भी डी बराबर यू के जगह पर जीरो, और ये ए के जगह पर माइनस ई ई बट्टा एम, और उसके बाद टी के जगह पर टाउ हो गया। अब भी डी बराबर माइनस ई ई बट्टा एम, और कौन सी हो जाएगा, और हो जाएगा टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया, जहां पर जो माइनस साइन है, यह माइनस साइन उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिशा किधर होगी। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, सिर्फ परिमाण लिखना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो डायरेक्शन में लिखना है, तब डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ई ई टाउ बट्टा एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग के लिए जो फॉर्मूला है, वो ई ई टाउ बट्टा एम है, जहां पर यह ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, ये टाउ क्या है, तो समय अंतराल टाइम इंटरवल है, और बट्टा में एम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग के लिए फॉर्मूला ई ई टाउ बट्टा एम। अभी तक इसको फर्स्ट मान रहे हैं तो सेकेंड मान लेते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके अतिरिक्त इसमें और भी कंसेप्ट हैं जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे।